विधानसभा में करी, चाहे वो गिरी गंगा का बड़ा प्रोजेक्ट हो, बड़े बड़े सिंचाई के टैंक हो, बिजली का विभाग हो, 33 KV का, और इसी तरह सिंचाई की अनेकों योजना हर पंचायत में जाए। और आने वाले समय में एक सपना है जिसे आप सब साकार करेंगे कि हर पंचायत में एक इतना बड़ा ग्राउंड हो, बड़ा स्टेडियम हो। क्यों हो? क्योंकि जो हमारा आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए हमें सोचना पड़ेगा। नशे की तरफ जाता हुआ खुंटी विधानसभा क्षेत्र का युवा, उनको बचाने के लिए हमें इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। और प्रोग्राम हम तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास ग्राउंड होगा। अकेडमी हमारे खुंटी विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए, बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर कबड्डी हमारी होती है तो एक आदमी 11 लोगों के साथ रहता है, तो एक भावना जगती है कि हमें जीतना है। जीतेंगे तब अगर हमें लगन होगी खेलने की, खेलेंगे हम तब जब हमारे पास ग्राउंड होगा। ग्राउंड होगा, ये सपने बहुत बड़े हैं, इनको साकार करने के लिए आप सबका योगदान हमें मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक या दो दो बच्चे हैं, वो ही हमारी धरोहर है, उनको बचाने के लिए हमें संस्कार भी देने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेला हमारा देव मंदिर होता है, उसको हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उसी तरह संस्कार हमें अपने बच्चों को देने चाहिए, बचपन से देने चाहिए। हमें अपने सुबह उठ के दादा दादी के काम सीखना, तो जो हमारी गुड मॉर्निंग की जो परंपरा चल रही है ना, उसको हमारे को तोड़ना। गुड मॉर्निंग की भी नहीं तो ये तुम्हारी गुड मॉर्निंग क्यों, हाथ तो उठाने नहीं है, तो बच्चों की गलती नहीं है इसमें, हमारी गलती, पेरेंट्स की गलती है, माँ बाप की गलती है। क्यों नहीं हम सुबह उठ के ये बोलते हैं जाओ बच्चों दादा दादी के पांव छूओ, तब तुम स्कूल जाओ। अब हमें ये करना होगा, जब दादा दादी के पांव छूएगा तो नेचुरली माँ बाप के पांव भी छूएगा। इसको क्या होगा, मनोहर दादा दादी आशीर्वाद देंगे तो ये बच्चा कभी भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद। इस तरह की बहुत सारी हमारी गलतियां हैं जो हम आगे अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, उसे सुधारना है। ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई की जगह है, पर जो हमारी अपने घर की पढ़ाई है उसे भी हम सबको अपने बच्चों को कराना पड़ेगा। जूता कहाँ खुलना चाहिए, पहले जूता हमारा दरवाजे से बाहर खुलता था, आज सराहने में खुल रहा है। खलिहान है तो अनाज नहीं है, दरवाजा है तो देवल नहीं है, चूल्हा है तो मशारता नहीं है। तो ये परंपरा क्यों हमने खत्म कर दी? क्यों? क्योंकि देवल हमने जब तक आपके घर में लक्ष्मी रेखा नहीं होगा तो आप कैसे बचेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे? सबसे बड़ी बात लक्ष्मी रेखा क्या है? देवल। आप बहू लाते हो घर में, बड़ा भारी द्वार पूजन होता है, तो देवल तो है ही नहीं, आप पूजन किस द्वार पर कर रहे हैं? तो मेरी आपसे ये आशा रखती हूँ कि मेन दरवाजे में तो आप घर जाते हैं, जिन्होंने टाइम से घर जाए, क्योंकि वो हमारा एक अच्छा बंधन है। दिवाली में देवल पूजी जाती है, कल्याण पूजा जाता था, पहले के जमाने में सुखा पूजा जाता था, चारना होता था, घर की पूजा होती थी, चिमटे की पूजा होती थी। अब तो चिमटे में भी हम पाँव से धोकर मारते, देवल पर पाँव रख के चलेंगे हम, जो कि पूजनी है। छोटे छोटे ऐसी बातें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। पढ़ाई के साथ साथ हमारे को घर की पढ़ाई भी करानी पड़ेगी। और एक शब्द आता है, हम कट्टर हैं जी, हम तो जी कट्टर कांग्रेसी हैं, हम तो जी कट्टर बीजेपी के हैं। हम ये कभी नहीं बोलते कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर सनातनी हैं, हम कट्टर देशभक्त हैं। तो मजा भी आए, हमें नहीं मालूम है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को पहचानना है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। जिस दिन हम ये सब सोच के चलेंगे तो उस दिन हम किसी बाबाओं के दरवाजे में खड़े नहीं होंगे,